भाई ये एरिया के बच्चे ना बहुत हल्ला करते हैं, वो जाने तो बचपन है, हमने भी किया था बचपन में, हमने तो उंगली भी काट दिया था, जाने दो। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दो चिपसेट के बारे में, विच इज़ एक्सनस 9825 एंड स्नैपड्रैगन 765G। अब आप बोलोगे कि ये पुराने मुर्दे क्यों काट रहे हैं, मतलब पुराने बातें ताज़ा क्यों कर रहा है, वो इसलिए दोस्तों कि सैमसंग की तरफ से 100% कन्फर्म हो चुका है कि इनका अपकमिंग स्मार्टफोन गैलेक्सी F62 आने वाला है एक्सनस 9825 के साथ में। वो काफ़ी तगड़ा सा प्रोसेसर है दोस्तों ये, वैसे मैंने इसको हल्के में ले लिया था। एनीवे 765G आपको मिलता है OnePlus Nord में, और OnePlus Nord के जैसी ही प्राइसिंग होने वाली है गैलेक्सी F62 की, तो अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि परफॉर्मेंस किसका बेहतर होना चाहिए। तो हमको तो सिर्फ परफॉर्मेंस से मतलब है, इसलिए हम लोग कंपेयर करेंगे Exynos 9825 को Snapdragon 765G से, और आखिरी में आपको बताएंगे अपना कंक्लूजन। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इंटरेस्टिंग लग रही होगी, अभी तक थोड़ा सा इंटरेस्ट आया होगा तो लाइक कर देना, और आगे भी इंटरेस्ट आएगा तो आखिरी में भी लाइक कर देना अगर आपको पूरी वीडियो देखने के बाद में सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो चलिए वीडियो भी आगे बढ़ते हैं, यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल टेक एक्सप्लेनर, चलिए जानते हैं कुछ बढ़िया। चलिए सबसे पहले आर्किटेक्चर की बात करते हैं, दोनों ही चिपसेट 64 बिट आर्किटेक्चर पे बने हुए हैं। फैब्रिकेशन प्रोसेस की बात करते हैं, Exynos 9825 7nm UE प्रोसेस पे बना है, जबकि Snapdragon 765G 7nm प्रोसेस पे बना है। इन दोनों चिपसेट में अगर हम प्रोसेस को कंसिडर करते हैं तो डिफरेंस उतना बड़ा नहीं है, लेकिन UE प्रोसेस पर बने हुए चिपसेट ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं, लो बैटरी कंजप्शन करते हैं, इसलिए इसमें Exynos 9825 थोड़ा सा बेहतर मिलता है। CPU परफॉर्मेंस की बात करते हैं दोस्तों, Exynos 9825 में आपको दो हाई परफॉर्मेंस कोर मिलते हैं, मोंगूस M4 वाले जो कि सैमसंग का कस्टम कोर है, 2.73 गीगाहर्ट्ज की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मिल जाती है। इसके बाद में आपको दो मिड परफॉर्मेंस कोर मिलते हैं, कोर्टेक्स A75 की, जिसकी फ्रीक्वेंसी आपको 2.4 गीगाहर्ट्ज की मिल जाती है। आखिरी में आपको चार एफिशिएंसी के लिए कोर मिलते हैं, कोर्टेक्स A55 की, जिसकी फ्रीक्वेंसी आपको 1.9 गीगाहर्ट्ज की मिल जाती है। स्नैपड्रैगन 765G की अगर मैं बात करूं तो यहां पे आपको पहला हाई परफॉर्मेंस कोर मिलता है कोर्टेक्स A76 का, जिसकी फ्रीक्वेंसी आपको 2.4 गीगाहर्ट्ज की मिल जाती है। बाद में आपको एक मिड परफॉर्मेंस कोर मिलता है कोर्टेक्स A76 का, जिसकी फ्रीक्वेंसी आपको 2.2 गीगाहर्ट्ज की मिल जाती है। आखिरी में आपको छह एफिशिएंसी के लिए कोर मिलते हैं कोर्टेक्स A55 के, जिसकी फ्रीक्वेंसी आपको 1.8 गीगाहर्ट्ज की मिल जाती है। सीपीयू के सेक्टर में Exynos 9825 थोड़ा सा बेहतर रहेगा स्नैपड्रैगन 765G से, क्योंकि इसमें सैमसंग का कस्टम मोंगूस M4 कोर यूज हुआ है परफॉर्मेंस के लिए, और इसकी फ्रीक्वेंसी भी अच्छी खासी मिल रही है। मिड परफॉर्मेंस कोर में भी Exynos 9825 के पास में थोड़ा सा पुराना कोर्टेक्स A75 कोर है, लेकिन फ्रीक्वेंसी भी बेटर आपको यहाँ पे मिल जाती है, कोर्स भी ज़्यादा है, एफिशिएंसी कोर की फ्रीक्वेंसी भी अच्छी मिल जाती है थोड़ी सी, इसलिए सीपीयू परफॉर्मेंस आपको Exynos 9825 में बेहतर मिल जाएगा। जीपीयू परफॉर्मेंस की बात करते हैं, Exynos 9825 में आपको ARM Mali G76 MP12 वाला जीपीयू मिल जाता है, जिसे 600 मेगाहर्ट्ज़ पे क्लॉक किया गया है। स्नैपड्रैगन 765G की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ आपको Adreno 620 मिल जाता है। ग्राफिक्स में Mali G76 GPU Bifrost आर्किटेक्चर पे बना है, और इसको 600 मेगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी पे क्लॉक किया गया है, जबकि Adreno 620 Adreno 600 आर्किटेक्चर पे बना है, और N22 में Mali G76 GPU ने 173,000 तक स्कोर किया है, जबकि Adreno 620 ने 93,000 तक स्कोर किया है। इससे यही क्लियर होता है GPU में Exynos 9825 बेहतर है। RAM सपोर्ट की अगर हम लोग बात करते दोस्तों, आपको दोनों ही चिपसेट में LPDDR4X का सपोर्ट मिलता है, और डुअल चैनल मिल जाते हैं, 12GB की मेमोरी डेंसिटी मिल जाती है, UFS 2.1, UFS 3.0 एंड EMMC 5.1 का नेटिव स्टोरेज मिल जाता है। लेकिन यहां पे जो मेमोरी फ्रीक्वेंसी है वहां पे आपको थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलता है। स्नैपड्रैगन 765G में आपको 2133 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी मिलती है, जबकि Exynos 9825 के अंदर 2093 मेगाहर्ट्ज की मेमोरी फ्रीक्वेंसी मिल जाती है, तो ये थोड़ा सा आपको डिफरेंस देखने को मिलता है। कैमरा सपोर्ट की बात करते हैं, Exynos 9825 में सिंगल कैमरा का सपोर्ट आपको 22MP का मिलता है, और डुअल कैमरा का सपोर्ट आपको मिलता है 16+16MP का। बात करते हैं स्नैपड्रैगन 765G की, तो यहाँ पे आपको अप टू 192MP तक के फोटो कैप्चर का सपोर्ट मिलता है सिंगल कैमरास में, और 36MP के सिंगल कैमरा का सपोर्ट मल्टी फ्रेम नॉइस रिडक्शन और जीरो शटर लैग के साथ में मिल जाता है। इसके अलावा आपको 22MP प्लस 22MP के डुअल कैमरा का सपोर्ट मिलता है। ऑब्वियसली कैमरा सपोर्ट में हमें स्नैपड्रैगन 765
जी बेहतर मिलेगा। डिस्प्ले सपोर्ट की बात करते दोस्तों, Exynos 9825 में आपको 4K UHD रिजोल्यूशन तक का सपोर्ट मिल जाता है। इसके अलावा WQUZGA रिजोल्यूशन वाला भी सपोर्ट मिल जाता है। Snapdragon 765G की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको QHD प्लस रिजोल्यूशन का सपोर्ट 60Hz पे मिलता है और फुल HD प्लस रिजोल्यूशन का सपोर्ट 120Hz पे मिल जाता है। इन दोनों में बेहतर डिस्प्ले का सपोर्ट आपको Exynos 9825 दे पाएगा बिकॉज इसमें 4K डिस्प्ले रिजोल्यूशन तक का सपोर्ट दिया जा रहा है। वीडियो सपोर्ट की बात करते हैं दोस्तों, आपको Exynos 9825 के अंदर 8K वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट 30fps पे मिल जाता है और 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट 150fps पे मिल जाता है। इसके अलावा जो स्लोमो वीडियो है उसका भी सपोर्ट आपको 960fps पे मिल जाता है। बात करते हैं Snapdragon 765G की, तो यहाँ पर आपको 2160p 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट 30fps पे मिलता है एंड 1080p फुल HD प्लस रिकॉर्डिंग का सपोर्ट 60fps पे मिलता है। इसके अलावा स्लोमो 720p HD प्लस रिकॉर्डिंग का सपोर्ट 480fps पे मिल जाता है। वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट में बेशक Exynos 9825 बेटर रहेगा अपनी 8K वीडियो रिकॉर्डिंग कैपेबिलिटीज की वजह से। कनेक्टिविटी की बात करें, Exynos 9825 में आपको इंटीग्रेटेड LTE एडवांस्ड प्रो मॉडेम मिल जाता है जिसकी डाउनलोडिंग स्पीड आपको मिल जाती है 2 Gbps की और अपलोड स्पीड मिल जाती है 316 Mbps की। Snapdragon 765G की अगर मैं बात करूं तो यहां पे भी आपको इंटीग्रेटेड 5G मॉडेम मिलता है विच इज Snapdragon X52 5G मॉडेम। यहां पे आपको डाउनलोडिंग स्पीड 3.7 Gbps तक की मिल जाती है और अपलोड स्पीड 1.6 Gbps तक की मिल जाती है। कनेक्टिविटी में Snapdragon 765G बेहतर मिलेगा अपनी बेहतर डाउनलोड और अपलोड स्पीड की वजह से। एंटीटू बेंचमार्क की अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों, Exynos 9825 ने स्कोर किया 442,568 जबकि Snapdragon 765G ने स्कोर किया 320,847। Geekbench स्कोर की बात करते हैं, Exynos 9825 ने सिंगल कोर पे स्कोर किया था 751 जबकि मल्टी कोर पे इसका स्कोर रहा था 2155। Snapdragon 765G की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे इसने सिंगल कोर पे स्कोर किया था 593 जबकि मल्टी कोर पे इसका स्कोर रहा था 1819। मैंने पहले ही बोला था ना आपको, बच्चे बहुत हल्ला करते हैं। लेकिन फाइनली कंक्लूजन क्या निकल के आता है इस कंपैरिजन का? कंक्लूजन ये निकल के सामने आता है दोस्तों कि यहाँ पे CPU परफॉर्मेंस जो कि किसी भी चिपसेट का मेन हाईलाइट होता है उसमें ऑब्वियसली Exynos 9825 बेहतर रहने वाला है क्योंकि यहाँ पे परफॉर्मेंस कोर की फ्रिक्वेंसी भी काफ़ी ज़्यादा मिल रही है एज़ कम्पेयर टू Snapdragon 765G और बाकी के कोर भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं Snapdragon 765G के कंपेयर में। GPU की बात करते हैं क्योंकि GPU काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्पेशली अगर आप गेमिंग वगैरह करते हो तो यहाँ पे भी Exynos 9825 बेहतर है और ये चीज़ GPU स्कोर से भी क्लियर हो चुकी है। तीसरा मेन हाईलाइट होता है किसी भी चिपसेट का मॉडेम। हालांकि Exynos 9825 में आपको इंटीग्रेटेड 4G मॉडेम मिल रहा है लेकिन इसकी प्रॉपर्टी को चेंज करके इसको 5G मॉडेम में बदला जा सकता है लेकिन वो तो चीज़ सब सैमसंग के ऊपर डिपेंड करती है। लेकिन फिलहाल कनेक्टिविटी में Snapdragon 765G आपको बेहतर मिल जाता है। लेकिन यदि हम लोग बेहतर डिस्प्ले की बात करते हैं, बेटर वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट की बात करते हैं और बेटर रैम फ्रिक्वेंसी की बात करते हैं तो वहाँ पे ऑब्वियसली Exynos 9825 आपको बेहतर मिलता है। तो ओवरऑल इस कंपैरिजन का फाइनल मिरर निकल के सामने आता है Exynos 9825। इस चिपसेट को लेकर के मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव था, फाइनली पॉजिटिव हो गया। वैसे ये जो चिपसेट है दोस्तों आपको गैलेक्सी F62 में मिलने वाला है और ये स्मार्टफोन भी आपको OnePlus Nord के प्राइजिंग के आसपास में ही देखने को मिलने वाला है तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सा होगा और इस स्मार्टफोन को भी हम लोग कवर करेंगे आने वाली वीडियो में। देखते आप बताना अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्योंकि आपका ओपिनियन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगे हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना क्योंकि इस तरीके की डेली टेक वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलने वाली है डेली बेसिस पे। तो फिलहाल मिलेंगे अपने अगले टेक वीडियो में, तब तक सुनते हैं बच्चों का हल्ला, नहीं तो मैं सुनता हूँ। बाय।